हेलो दोस्त, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं द ग्रेट खाली। अगर आप भी कविता देवी जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार बनना है तो आप आइए प्लीज ज्वाइन करिए CWE, बिकॉज CWE इज बेस्ट एकेडमी इन द वर्ल्ड। और लड़का जो सुनता जो कोर्स किया नाम उसका देवर शर्मा है ना, अभी तो सारे मिलते होंगे वहाँ पर जी, बिल्कुल सारे हम लोग ट्रेनिंग ग्रुप अलग अलग हैं। तो सारे बोलते थे कि ग्रेट खाली का स्टूडेंट है, बोले काफी ये प्राउड से हम लोग बताते हैं उनको वो चीजें। हमसे जो इंट्रोडक्शन भी हमारा स्टार्टिंग में हुआ था तो बड़े प्राउड से मैं बोलती हूँ कि हाँ, मैं ग्रेट खाली की स्टूडेंट हूँ, वहीं से मैंने शुरुआत की है। तो इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि बस वहाँ पे चले गए तो फिर आप अपना फाउंडेशन ही भूल जाओ, ये भी नहीं होना चाहिए। जहाँ से मैंने शुरुआत की, मैं जब भी इंडिया में आती हूँ मैं सर से मिले बगैर कहीं भी नहीं जाती, चाहे मुझे कितना किलोमीटर का सफर तय करना हो। सो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिना मिले गई हूँ, हमेशा मिलके जाती हूँ। दिल में मान सम्मान है और गुरु को हमेशा वो मिलना भी चाहिए, वो उनके अधिकारी भी हैं। और इस चीज को मैं बहुत पूरी तरीके से समझती हूँ। और जो भी यहाँ से गुजर के गए हैं उन सबको ये करके होना चाहिए कि भाई आप जहाँ से आपको रास्ता दिखा है आप उसको ना भूलें कभी भी। जैसे मतलब एक WWE पे आपने डिसिप्लिन देखा होगा, डिसिप्लिन वहाँ भी फॉलो करते हैं, यहाँ भी हम वही चीज सिखाते हैं। डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो आप अच्छे रास्ते पे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको WWE एंट्री नहीं मिल सकती। बिल्कुल दोस्तों, मैं जो हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर ट्रम्प के भतीजे भी है आप, तब भी मतलब आपको WWE वाले नहीं लेंगे। क्यों? मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि भी मतलब वो लोग जो WWE वाले हैं बहुत प्रोफेशनल लोग है वो, अगर उनको हम कमा के देंगे तब आपको हायर करेंगे। अगर आप उनको कमा के नहीं उनको देंगे तो बोलेंगे कि नहीं, आई डोंट वांट टू हायर यू। सो प्लीज, अगर आप WWE पे जाना चाहते हैं, कहीं भी आप जापान पे जाना चाहते हैं, TNA पे जाना चाहते हैं, AEW पे जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं आप, आपको जो रास्ता है वो यहीं से जाता है CWE के होके, CWE के होके जाना पड़ेगा। अगर आपने WWE का कहीं भी वर्ल्ड पे आपने सुपरस्टार बनना है तो ये आपको एक जैसे बोलते हैं बेसिक रेसलिंग आपको सीखनी पड़ेगी। मतलब बहुत सारे लोग जैसे सोचते हैं कि बस हमने रेसलिंग नहीं करनी, हमने तो बस कॉन्ट्रैक्ट वहां मिलना चाहिए। तो मेरे को भी लगता है, मैंने भी मतलब ऑलमोस्ट 20 साल रेसलिंग की है, जापान में की है, इंडी रेसलिंग की है, लेकिन मतलब विदाउट रेसलिंग से